नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तर वासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नई वीडियो जिसमें होगा बहुत सारा इन्फोटेनमेंट। तो ईयरफोन कान में लगाइए, स्क्रीन को फुल करिए और चलिए मेरे साथ एक नए सफ़र पे जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। इस बार मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक ज़बरदस्त जगह, जलप्रपात नहीं, इस बार मैं आपको दिखाऊँगा बस्तर के घने जंगल। दोस्तों बस्तर सिर्फ और सिर्फ जलप्रपात के लिए नहीं प्रसिद्ध है, घने जंगल, खूबसूरत वादियों, गुफाओं, जलप्रपात और बड़े बड़े पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो बने रहिए मेरे साथ और उससे पहले लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है यार। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी चैनल ग्रो करेगा। तो चलिए मेरे साथ एक नए डिजिटल सफ़र के लिए। ये पहले ना ये रोड पूरी ना ऐसी बनी हुई थी, लकड़ी कटता था ना उसके सप्लाई के लिए। लेकिन ना बहुत खराब हो गया इधर का, है ना। ये सब ये वाला तो बना नहीं था, नहीं ये पहले बना हुआ था, देखो ना ये मतलब डामर रोड थी ये पहले, पहले और ये ना जंगल रिसोर्ट है, देखो। अच्छा यही है जंगल रिसोर्ट, मैं ये रास्ता जो है ना ये जंगल रिसोर्ट जाएगा बस्तर। तो दोस्तों जगदलपुर हमारा इतना खूबसूरत शहर है कि यहाँ 10 किलोमीटर के अंदर आप प्राकृतिक जंगल सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। वन विभाग का कटाई हो रहा है, लीगल है, सब्स्टिट्यूट आ गए हैं जब लकड़ी के, है कि नहीं। तो क्यों कटता है जंगल मेरे समझ से परे है, नहीं काट ये सब करना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, बस्तर में ना तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए साल वनों को काटने के, है ना। साल वनों का जो कटाई होता है ना वो स्ट्रिक्टली हाँ उस पर रोक होनी चाहिए, नहीं तो ना बस्तर का जो क्लाइमेट ठंडा है ना, गर्मी में भी जो पानी गिर जाता है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। एकदम नेचुरल जंगल है ये, और ऐसा नहीं लग रहा है कि अपन कोई जंगल सफारी कर रहे हैं क्योंकि जगदलपुर से 10 किलोमीटर के अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है अपन कोई यकीन भी नहीं करेगा जगदलपुर के इतने पास इतने शानदार जंगल है। बस है ना अपना ना इधर का जो जंगल जो कांगेर घाटी से पूरा लगा हुआ है, पूरा कुरंदिर वंदी वाला माचकोट एरिया, इसका खासियत क्या है बताऊँ, दिन में भी आपको सांप टाइप का लगेगा, है ना। अभी देखो अभी 12 बज रहा है, 12:30, लेकिन देखो कि ऐसा लग रहा है कि 3-4 बज रहे हैं, है ना, सूरज ढलने वाला है। ये ना आने के लिए एक नंबर, ये ना थोड़ा सा रोड अच्छा कर देना सुरक्षित रहे तो आप फैमिली के साथ मस्त पिकनिक स्पॉट है। गणेश बाहर का व्यू पॉइंट ना बहुत आते हैं लोग, आओ यहाँ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो गणेश बाहर है वह एक नाला है जो कि घने जंगलों के बीच से होकर खूबसूरत दृश्य निर्माण करता है और बाद में जाके खोलाब में तीरिया के पास मिल जाता है। और ये जगदलपुर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो काफ़ी लोग आते हैं और बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट यहाँ पर गणेश बाहर निर्माण करता है। ये है बस्तर की नेचुरल ब्यूटी, क्यों खूबसूरत पिकनिक स्पॉट गणेश बाहर है और एकदम निर्मल स्वच्छ जल, पूरी तरह से प्रदूषण रहित। और जगदलपुर के मात्र 10-12 किलोमीटर में ये सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट, शानदार। अब हम इस जगह में घने जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं और छोटा सा नाला बगल में बहते हुए जा रहा है, बहुत ही प्यारी जगह है। बस ये है कि रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन गणेश बाहर नाम से हर कोई परिचित है इस क्षेत्र में। यही नाला आगे जाके
तीरिया माचकोट के जंगल में सबरी नदी से मिल जाएगा। इसे बोलते हैं गणेश बाहर। बहाव से पत्थर पूरा कल कल करके ये स्वच्छ जल बहता जा रहा है। बस इस चीज को देखें, ये बहुत गंदा है, बाकी सब ठीक है। और आगे बहुत शानदार दृश्य है, मज़ा आ रहा है। और एक बात बता दूं कि ये जो एकदम नेचुरल जंगल है, मुझे लगता है प्रकृति को हजारों लाखों वर्ष लगते हैं ऐसे जंगल बनाने में, लेकिन हम चाहें तो कुछ ही समय में इसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए वृक्ष कटाई तो बंद हो जानी चाहिए अब, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास इतने सब्स्टिट्यूट हैं, देखिए ये पेड़ गिरा हुआ है, अब पता नहीं कितने सालों से ऐसे गिर के एक नेचुरल पुल जैसा बना रहा है यहाँ पे। और ये बड़े बड़े पत्थरों को काटा है गणेश बाहर ने, अपना रास्ता बनाया है। अब ये उसका साफ स्वच्छ जल बहता हुआ आ रहा है। जगदलपुर में वैसे तो बहुत प्यारा पिकनिक स्पॉट है, पर फिलहाल ये शराबियों की और आसिक मिजाज लोगों की पहली पसंद है। इसकी इसी छवि को बदलना चाहिए इस खूबसूरत जगह की। झरना ही की ऐसे नदी है, रिवर क्रॉसिंग। हाँ वो बड़ा कांगेर है ना वहाँ, तो कांगेर को क्रॉस करना पड़ता है ना। वो तितली जोन भी पड़ता है क्या रास्ते में? तितली जोन और पीछे तक जाओ। अच्छा लेकिन पानी देखो कितना साफ है। देखो ये जहाँ से आ रहे हैं आसपास कहीं मंदिर अंदर पानी तो साफ है, लेकिन ये देखो ये चीज देखो, ये जो गंदगी फैला के गए हैं ना लोग, है मतलब इसका क्या उपाय है कोई समझ में नहीं आता है। जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे तो ये गंदगी तो होगा ही होगा ना। अपनी गंदगी अपने साथ ले जाना चाहिए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि नहीं। अपनी गंदगी को अपने साथ लोगों को ले जाना चाहिए। तो दोस्तों गणेश बाहर की जो स्थिति है वो जगदलपुर के सबसे निकट है, 10 से 15 किलोमीटर में घने जंगल पड़ते हैं। जगदलपुर से आपको बाहर पहुंचने के लिए कुरंदी की ओर जाना पड़ेगा। कुरंदी से जो बस्तर जंगल रिसॉर्ट की रोड है, उसके बाद कच्ची सड़क माचकोट तीरिया की ओर जाती है, उसी सड़क पे आगे जाके गणेश बाहर का एक व्यू पॉइंट है और बहुत ही खूबसूरत है। इस क्षेत्र में बहुत और भी अच्छे अच्छे पर्यटक आकर्षण हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा और शीघ्र ही मैं आपको अगली वीडियो प्रस्तुत करूँगा। अब इस साइड का देखते हैं व्यू कैसा है यहाँ पे। इस साइड का ज्यादा प्यारा है मालूम, देखो ऐसे है जाले पूरे लग रहे हैं। मेरे को लगता है कोई बहुत दिन से इधर आया भी नहीं है, पूरे मुंह में जाले लग रहे हैं, है ना। इधर का ज्यादा खुला व्यू है मालूम, अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा ना डर भी लग रहा है। पूरा मुंह में जाला लगा यार। जगह ना बहुत बढ़िया है, लेकिन पिकनिक मनाने वाले ना जो कचरा फैलाए हैं ना, वही एक ना गंदगी किए हैं। बाकी सब बढ़िया है, देखो ना एकदम नेचुरल चीजें हैं सब चीजें। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा ही। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। अब इस स्वच्छ निर्मल और बहते हुए पानी को निहारते हुए
मैं आप सभी से विदा लेता हूँ।